Good morning, children. Yes, आज हिंदी में हम क्या रीड करेंगे? हिंदी में हम बड़ों की मात्रा वाले अक्षर, बड़ों की मात्रा वाले अक्षर लिखो, जो आज हम आपको कोड के थ्रू समझाएंगे। ये आपकी कौन से पेज नंबर में है, कौन सी बुक में है? लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी पेज नंबर 43। देखिए वर्ड पहचान में 43 में दिया हुआ है उल्लू का और ऊन का। तो उल्लू से क्या बनता है? छोटों की मात्रा, और ऊन से बड़ों की मात्रा। तो हमने छोटों की मात्रा रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम बड़ों की मात्रा वाले पढ़ेंगे, बड़े की बड़ों की मात्रा वाले अक्षर। यस, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? का कलम का। का कलम में कौन सी मात्रा लगाना है? का कलम में बड़ों की मात्रा। का में बड़ों की मात्रा कु। ओके, इस प्रकार से इसकी पहचान करते हैं। इसे कैसे बोलते हैं? जोर से साउंड आता है कु। में बड़ों की मात्रा को इस प्रकार से इसको कहते हैं। ओके, नंबर टू, खा। खा में बड़ों की मात्रा खो। इसे कौन सी वाली नोटबुक में नोट करना है आपको? टू लाइन वाली नोटबुक हिंदी की, उसमें आपको ये जो लाइंस बची है टू लाइन, इसी के अंदर आपको करना है। ओके, यस। नंबर थ्री, गा गमले का। तो आप देखिए खरगोश की बात क्या आता है? गा गमले का। तो ग में क्या, कौन सी मात्रा लगाना है हमें? ग में बड़ों की मात्रा गु। घ में बड़ों की मात्रा घु। च में बड़ों की मात्रा चु। छ में में बड़ों की मात्रा चु। इसी प्रकार से ये आज आपका क्लास वर्क है। ये मात्राएं, इस प्रकार की मात्राओं का उच्चारण ऐसे करते हैं, और इन अक्षरों में ऐसे बड़ों की मात्रा लगाते हैं, और आपको इससे बहुत सारे नए नए शब्द भी मिलेंगे आगे बड़ों की मात्रा वाले। अभी हम सिर्फ अक्षर पढ़ते हैं। तो ये आज आपका क्लास वर्क है। देन होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में जो ये मात्रा दी हुई है, इसी प्रकार से आपको मात्राएं लगाकर कंप्लीट करना है। इसी को कंप्लीट करना है। ओके, सेम अस क्लास वर्क आप हमें कंप्लीट करके बहुत सारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं सभी बच्चों से। और इसी प्रकार आप और रीडिंग करिए, राइटिंग वर्क करिए, एंड लर्निंग और रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, आपको ये सारी चीजें करना है। और सभी लोग बकायदा कर भी रहे हैं, जो नहीं कर रहा है वो भी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको